कहते आप देख रहे बिंदास बोलो, बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए महाराणा प्रताप का। आइए कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनके पास चलते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद बोलिए। जी हम बताना चाह रहे हैं कि जो महाराणा प्रताप जी जैसे लोग हैं ऐसी प्रतिभा भारत से खत्म नहीं हुई है। हाँ आज भी हमारे देश में ऐसी प्रतिभा के लोग पाए जाते हैं, बस उनकी प्रतिभा को पहचानने की जरूरत है। आज भी हमारे देश में महाराणा प्रताप जी जैसे लोग पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हर गांव, हर शहर, हर जिले में पाए जाते हैं, बस उनकी प्रतिभा को पहचानने की जरूरत है। धन्यवाद। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि शौर्य खत्म हुआ है, इस कॉल पर मैं नहीं कहूंगा कि ऐसे लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन सूरज को किसने ढाक के रखा है? इतनी भारत माँ पुकार रही है, इतना अन्याय हो रहा है, महाराणा प्रताप के समय जो स्थिति थी उससे भी खराब स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में महाराणा प्रताप आगे आए ये जरूरी है। महाराणा प्रताप केवल शौर्य की प्रतिभा लेके घर के अंदर नहीं बैठ सकते, महाराणा प्रताप के लिए भी ये ऑप्शन था। वो सोने के चांदी के थाली में खाना खा सकते थे और चांदी के पलंग पर सो सकते थे, मुगलों का आधिपत्य स्वीकार करके राजा बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको नकारा। उन्होंने सोने की चांदी की थाली छोड़ी, उन्होंने घास की रोटियां खाई, लेकिन सत्य के लिए संघर्ष किया। कॉलर के पास चलते हैं। हेलो जय हिंद। हाँ सर, आरपी सिंह थाना से बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। बोलिए सर, महाराणा प्रताप के बारे में जो आपके यहाँ बताया जाता है, महाराणा प्रताप एक ऐसे आदमी थे कि जिन्होंने देश के लिए जो किया वो कोई नहीं कर सकता। और दूसरा सर ऐसा है कि आज महाराणा प्रताप को खलनायक बताया जाता है किताबों में, महाराणा प्रताप की किताबों में कोई कहानियां नहीं दी जाती, और इससे हम लोग और इतने ज्यादा हतोत्साहित है। क्या महाराणा प्रताप इतने गलत थे, उनकी कहानियां ना बता के एक अय्याज बादशाह अकबर की कहानी बताई जाए? हम अकबर कहानी पढ़ेंगे, एक फॉरेन मलिक्षण कहानी पढ़े या फॉरेन चौकी अपने घर में लेके आए? बिल्कुल। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद बोलने सर। बोलिए। सुरेश जी को बार बार कोटि कोटि प्रणाम है सर, पहले तो आपके सुदर्शन न्यूज चैनल को। बोलिए बोलिए सर। बोलिए। बोल रहा हूँ सर, ये अपना जो महाराणा प्रताप के बारे में बाप बोल रहे हैं ना। हाँ सर, फोन पे तो बात कर रहा हूँ सर। हेलो। धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि जब भी आप कॉल करते हैं तो दिए जाने वाली जो सूचना है उसका पालन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद। चलिए, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है, कुछ तकनीकी कारणों से हम आपके सामने कुछ कॉलर को नहीं दे पा रहे हैं। हम आपको उपाय दिखाते हैं। शिक्षा में महाराणा जैसे राजाओं की कहानियों को बढ़ावा मिले। जब कोई इंसान जी जान से अपने कर्तव्य और मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है तो उसके सभी सहयोगी अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। महाराणा के घोड़े चेतक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। महाराणा के घोड़े ने मरते दम तक महाराणा की रक्षा की। वोट बैंक की राजनीति के लिए क्रूर शासकों को सम्मान न दिया जाए। अभी कुछ दिन की बात है, मुंबई में एनसीपी के कुछ नेता औरंगजेब के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस औरंगजेब को सूफी संत बताया जा रहा था जिसने लाखों हिंदू मंदिरों को तोड़ा, करोड़ों हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर किया, हजारों हिंदू अबलाओं की इज्जत को लूटा। इतिहासकार युवाओं को महाराणा की कहानियों से प्रेरित करें। अगर आप हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किसी किताब में पढ़ेंगे या किसी के मुंह से सुनेंगे तो आप गौरवान्वित हुए नहीं रह सकते। अरे एक बार पढ़िए तो सही, हमारे महापुरुषों को सुनिए तो सही, उनकी कहानियाँ, आप वाकई अपनी संस्कृति पर इतराए बिना नहीं रह सकते। युवा पीढ़ी आधुनिकता की आंधी में ना बहे। जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी फिल्मी स्टारों को अपना हीरो मान रही है, उनके हर कार्य को करने की कोशिश कर रही है, वो देश और हमारी संस्कृति के लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला है। एक आपको फिल्मी शॉट भी दिखाते हैं। मानता हूँ कि मेवाड़ का स्वाभिमान कभी मर नहीं सकता, यही आदेश एकलिंग नाथ का है। क्या ये युद्ध से संभव नहीं? एकता का सूत्र है अकबर आजम का। ना तो मुझे वो जागीरें चाहिए, ना वो राज्य जो मुझे भीख में मिले। जिस प्रतिष्ठा के लिए हमारी माताओं के लाखों पुत्र रणभूमि में शहीद हो गए, उन मुगलों के आगे सर झुकाए। आप
एकता के सूत्रधार बन सकते हैं। अच्छी कोट करी कुंवर साह, महाराणा साह को जाके कह देना मैं उनके अजीर्ण की दवा खूब जानता हूँ। रणभूमि में मेरी तलवार दुश्मनों पर झुकती है। उन्हीं महाराणा साह को जाके कहना रणभूमि में लहू बहा के दिखाएं। अपने फूफा को साथ लाना मत भूलना। टोड़िया ठाकुर, अपनी औकात में रहो। जे हम अपनी औकात पे आ गए। अपमान, कैसा अपमान। अपनी औकात में रहो। भीख में मिले शासन पर सत्ता करने का क्या अर्थ है, लेकिन आज यही भीख मांग कर सत्ता पाने के लिए सब कुछ उतावले है और कुछ भी झुकने और समर्पित होने के लिए तैयार है। आइए हम और कुछ कॉलर से बात कराते हैं, समय कम बचा इसलिए कम शब्दों में अपनी बात को कहें। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, जय हिंद। क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं यही कहना चाहूंगा। हाँ, आज के युग में राणा प्रताप के प्रासंगिकताएं कम नहीं है। और रही बात की, जैसे कि कहा जा रहा है कि क्या हम लोग भूल गए हैं, तो कुछ हद तक तो ये बातें सही हैं, क्योंकि युग बदल गया है और लोगों की अलग अलग धारणाएं भी बदली है। लोग अर्थ युग की तरफ जा रहे हैं और अर्थ युग में कुछ संस्कार तो खत्म हो ही गए हैं, लेकिन अगर ये माना जाए कि नहीं, ये पूर्ण रूपेण ये बातें खत्म हो गई है, तो ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आज भी उनकी प्रासंगिकताएं काफी हैं और आज भी ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे कि मैं ही हूँ, मैं खुद हूँ, कि एक ईमानदारी से कोई काम करता हूँ, करना चाहिए, और उसके लिए मैं प्रेरित करता हूँ, चाहे उसके सामने जो भी मजबूरियां आए, उस सारे संकट को मैं बोल्डली फेस कर पाता हूँ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप ये जो एफर्ट ले रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है, एंड आजकल की जो यंग जनरेशन जो काफी फिल्म स्टार्स वगैरह को फॉलो कर रही है और महाराणा प्रताप जी जैसे योद्धा को भूल गई है। जो हम आज की स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं, जो महाराणा प्रताप जी ने मिलिट्री स्ट्रैटेजीज यूज की थी कि कुओं में जहर डाल दिया करते थे, फिर गुप्त रास्ते बनाए जाते थे जिससे सारे के सारे लोग एकदम से बाहर निकल जाएं। इनफैक्ट जो शत्रुओं की सारी संपत्ति हुआ करती थी उसका नाश कर दिया जाता था। और आजकल की अगर हम पॉलिटिशियंस को देखेंगे तो जैसे आपने बोला कि वो लोग केवल वोट बैंक को ही जुटाने में लगे हुए हैं, तो महाराणा प्रताप, इनफैक्ट मैं पहले भोपाल में रहती थी, महाराणा प्रताप नगर में ही। हाँ। तो ऐसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ऐसी कहानियां बताई जाएं, भली एनिमेटेड मूवीज बनाई जाएं और लोगों को पता चले कि वो कितने बड़े योद्धा थे और उन्होंने हल्दी घाटी में किस टाइप का। बिल्कुल, धन्यवाद। ये आपके सामने आज हमने मुद्दा रखा, हमने प्रयास किया कि महाराणा के ऊपर एक घंटे का कार्यक्रम करें। देश क्या चाहता है, क्या समझता है, कितना देखता है और इस विषय पर क्या अभिव्यक्ति देना चाहता है पूरे दुनिया को दिखाए। नॉर्वे से लेकर इंडोनेशिया तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूके तक, जो भी दर्शक है सुदर्शन के इस बिंदास बोल को इस लाइव टेलीकास्ट में या पुनः प्रसारण में या यूट्यूब पर देखते हैं, कम से कम वो तो समझेंगे कि महाराणा प्रताप थे कौन। और इसलिए हम दर्शकों के मुंह से उनकी कथाओं के साथ, उनकी अभिव्यक्तियों के साथ पिछले एक घंटे से आपके सामने थे। हम यही कहेंगे कि आज की प्रासंगिकता महाराणा के लिए पुकार रही है। आज महाराणा जैसे शौर्य की जरूरत है। स्थिति बदल गई है, यह सही है। लड़ने का तरीका बदल गया है, यह सही है। लेकिन किसी भी लड़ाई में महाराणा जैसा शौर्य भी जरूरी है। और जब हम महाराणा जैसे व्यक्ति के साथ काम करेंगे, ऐसे प्रतिभा के साथ खड़े होंगे, तो हमको क्या मिलेगा? बहुत बार लोगों के मन में यह सवाल आता है। तो मैं एक आखिरी उदाहरण उनके या आखिरी घटना उनके जीवन के बताकर या एक चरित्र का वर्णन कर बताऊंगा कि चेतक का नाम इस दुनिया में, इस देश में कभी कोई नहीं भूलेगा। चेतक उनका घोड़ा था। ऐसे महापुरुष के साथ जंगलों में तड़पने वाला भी घोड़ा अमर हो जाता है। आज अगर हम वहां जाते हैं तो हल्दी घाटी में चेतक के समाधि पर बड़े बड़े राष्ट्रपुरुष या विदेश के आने वाले राष्ट्र के प्रमुख भी सर झुकाते हैं। कितना भी बड़ा व्यक्ति जाता है तो घोड़े के समाधि के अपने सर झुकाता है। कहने का मतलब यही है
कि ऐसे बड़े प्रतिभा के साथ अगर घोड़ा भी अमर हो सकता है तो उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता। बस संगठित होने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।